हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। देखो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एक्चुअली में फिनोमिना है आपके पास डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और TIR का, मतलब इनका कंबाइंड इफेक्ट का फिनोमिना है आपके पास रेनबो। देखो लिखा क्या हुआ है, द फिनोमिनन अकर्स ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन भी होगी वहाँ पर, रिफ्रैक्शन भी होगी एंड TIR ऑफ सनलाइट बाय स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर। कितनी बार समझ में आई है? तो ये फिनोमिना जो है ये क्यों हो रहा है हमारे पास, ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड TIR ऑफ सनलाइट बाय स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर। क्लियर है? अभी समझेंगे इसको कि क्या है ये मतलब। ठीक, नेसेसरी कंडीशन क्या है रेनबो के लिए। नंबर वन, देखो सन शुड बी शाइनिंग इन द स्काई व्हेन इट इज रेनिंग अपोजिट साइड। तो सन जो है वो शाइन करना चाहिए स्काई में कब, जब रेन हो रही है उसकी दूसरी साइड, मतलब अपोजिट साइड रेन होनी चाहिए। क्लियर। दूसरा क्या है पॉइंट, द ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विद हिज बैक टुवर्ड्स द सन। मतलब ये क्या कह रहा है एक तरह से, जैसे मान लो यहाँ पर बना दूँ मैं, ये सन है आपके पास, ठीक है, ये मैंने सन बनाया यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो मान लो यहाँ पर, और रेनिंग इस साइड होनी चाहिए आपके पास, इसके अपोजिट साइड, इस तरीके से रेनिंग इस साइड हो रही है सन के अपोजिट साइड और आप यहाँ खड़े हो, आपकी बैक सन की तरफ होनी चाहिए और फेस आपका रेन्स की तरफ होना चाहिए। ठीक है, कई बार आपको दिखता है ना दूर कि रेनबो दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या है कि दूर कहीं पर रेन हो रही होती है और आपके अपोजिट साइड सन निकला होता है, तो वो जो है सनलाइट जाती है वहाँ पर उन रेन्स के पास और कैसे होता है आपके पास फिनोमिना अकर हो जाता है डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और TIR का, किसमें, जो ये रेन ड्रॉप्स होती हैं जिनको हम वाटर ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, इनके अंदर। ठीक है, तो कंबाइंड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास रेनबो दिखाई देता है। इतना तो पता ही आपको कि जैसे प्रिज्म में आप कहते थे सनलाइट जा रही है तो वो क्या करता था, उसको डिस्पर्स कर देता था इनटू 7 कलर, याद है या नहीं है बताओ ये चीज़। क्लियर है? तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अब प्रिज्म तो नहीं है लेकिन मीडियम आ गया किसका, वाटर का, तो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं उनमें से लाइट पास करेगी, तो इस तरह की डिस्पर्शन तो होगी होगी, ठीक है, लेकिन वो रेनबो की शेप ले लेता है आपके पास, ठीक है, एक बोर्ड बन जाता है। क्लियर, बो तो समझते हो ना, इंद्रधनुष जैसे हम कहते हैं, तो धनुष क्या होता है आपके पास, बो बोलते हैं BOW, तो बो ऐसा होता है, समझ रहे हो ना, और एरो कैसा होता है इसके बीच में, इस तरीके से लगा होता है, तो ये रेन की वजह से जो ये बो बना, ठीक है ना, ये धनुष जो बना इसकी बात करते हैं हम यहाँ पर, समझ रहे होंगे बात को। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई, ये कंडीशन समझ में आ गई कि किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, तभी रेनबो दिखाई देता है। ऐसे तो बारिश तो हो ही रही है, ठीक है, और कई बार सन भी निकल जाते लेकिन रेनबो तो नहीं दिखाई देता, तो कंडीशन ये होनी चाहिए सन इस साइड, उसके अपोजिट साइड रेन होनी चाहिए और जहाँ आप खड़े हो, ठीक है, मतलब आपको इस तरीके से होना चाहिए खड़ा कि सन आपकी बैक साइड पे आए और सामने आपके रेन हो, ठीक है, समझ रहे हो, रेन आपको ना भी दिखाई दे आपको रेनबो दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि क्या पता कितनी दूर हो रही है रेन, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से वहाँ क्या दिखाई देगा आपको, रेनबो दिखाई देगा, समझ रहे हो इतनी बात, क्लियर है। बात कर लेते हैं मेन क्या, देर आर टू काइंड ऑफ रेनबो फॉर्मेशन। देखो एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है आपके पास सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो पहले मैं प्राइमरी बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें मैं एक वाटर ड्रॉपलेट लूँगा और वाटर ड्रॉपलेट जो होती है आपके पास उसकी शेप होती है स्फेरिकल इस तरीके से, ठीक है, तो ये मैंने एक वाटर ड्रॉपलेट ले लिया आपको समझाने के लिए कि कैसे फिनोमिना ये अकर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने अभी बोला क्या था कि द फिनोमिना अकर ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन भी होगी, रिफ्रैक्शन भी होगी और TIR भी होगी, तो वो देखो जरा यहाँ पर किस तरीके से होगी। देखो जैसे मान लो ये रे इस तरीके से आई और ये है क्या यहाँ पर आपके पास सनलाइट है, मान लो ये क्या है सनलाइट है, और देखो इस पॉइंट पे आके क्या होगी आपके पास रिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि ये रेयर मीडियम होगा, अंडर वाटर ड्रॉपलेट का जो होगा वो कैसा होगा डेंसर मीडियम होगा। तो देखो जरा अब इसका नॉर्मल कैसे ना, यहाँ ये इसका सेंटर होगा जैसे स्फीयर या सर्कल जो हम मानते हैं, तो इसका सेंटर ही होगा, यहाँ से ही क्या होगा आपके पास नॉर्मल बढ़ेगा इस तरीके से, ठीक है, ये तो पता है आपको रेडियस ही क्या होती है नॉर्मल होती है सर्कल या स्फीयर पे, तो वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मल बना इसका, क्लियर है। अब देखो जरा रेयर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जानी चाहिए, अब स्ट्रेट ऐसे जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इस तरीके से जाएगी, अब देखो इस तरीके से करी, ठीक है, और दूसरे मीडियम में जा रही है जैसे प्रिज्म में होता है डिस्पर्स्ड होगी लाइट, डिस्पर्स्ड होगी तो डिस्पर्जन का हम दो ही यहाँ पर बनाएंगे, एक बना दिया हमने रेड और एक बना दिया वॉयलेट, क्योंकि सारे बनाएंगे तो कंजस्टेड हो जाएगा बड़ा, समझ रहे हो, इस तरीके से समझना इसको, क्लियर है कहानी। अब देखो इस पॉइंट पे देखते हैं, इस वाले पे जहाँ रेड है यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या हुई है आपके पास रिफ्रैक्शन हुई है इस पॉइंट पे, ये तो समझ गए आप, यहाँ रिफ्रैक्शन हुई है और ये कंडीशन क्या हुई है हमारे पास, ये डिस्पर्जन की हुई है, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं ये हुई है आपके पास डिस्पर्जन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा आपके पास TIR इस पॉइंट पे, देखो कैसे ये आपके पास यहाँ नॉर्मल बनेगा इस तरीके से, हम बना देते हैं इसका नॉर्मल यहाँ, ठीक है, सेंटर से इस तरीके से नॉर्मल, ठीक है। अब देखो TIR होगा तो इसका मतलब ये जो एंगल है इंसिडेंस एंगल ये ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से,
और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 48 डिग्री का। क्रिटिकल एंगल यहाँ पर कितना होगा? 48 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 48 डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा? TIR। TIR किस तरीके से होता है कि अपने ही मीडियम में बैक हो जाती है, तो ये एक मीडियम है, इसी में बैक हो जाएगी लाइट। तो किस तरीके से होगी ये देखो ज़रा, यहाँ पर ये आ जाएगी आपके पास ऐसे। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ हुआ TIR, और देखो ज़रा सिमिलरली ये वॉयलेट के साथ भी यही होगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी इसी तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अपने मीडियम में, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है TIR, तो ये भी इस तरीके से यहाँ ऐसे आ जाएगी। समझ रहे हो बात? बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे होगी अब क्या? रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्रैक्शन कैसे होगी, ऑब्वियसली बात है यहाँ ऐसे नॉर्मल आएगा इस तरीके से, जैसे यहाँ से मैं इसे छोटा सा बना देता हूँ, ये नॉर्मल आएगा, ठीक है। अब आ रही है डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये नॉर्मल है और ये स्ट्रेट ऐसे आएगी, मतलब थोड़ी इधर ही जाएगी लाइट। समझ रहे हो इस बात को या नहीं बताओ ज़रा, क्लियर हो रही है कहानी? समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जाएगी इस तरीके से आपके पास ऐसे, समझ रहे हो। और यहाँ पर ये हम इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम आइस लगा देते हैं, अभी जब आइस बाद में बनाता हूँ, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप, इस तरीके से आइए ये रे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगी, तो ये भी इसी तरीके से ऐसे आ जाएगी आपके पास। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ रहे हो? स्ट्रेट ऐसे आती है, थोड़ी इधर हो गई। कितने डिग्री पे आती है ये? ये वाली आती है आपके पास 42 डिग्री पे एंगल बनता है, और ये वाला बनता है आपके पास 40 डिग्री पे। ये है वॉयलेट का, ये है रेड का। क्लियर है कहानी इतनी या नहीं है बताओ? अब देखो मेन आपको समझना है, जैसे मान लो यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये आइस बना दी अपनी, क्लियर, इस तरीके से। अब देखो जो आइज़ हैं वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हैं रेज़ का, तो ये स्ट्रेट तो है नहीं, कैसे करेंगी? तो देखो रेड जो है कलर, इस तरीके से ये स्ट्रेट ऊपर इस तरीके से जाएगा, और वॉयलेट वाला ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये देखो रेड ऊपर दिखेगा हमें और वॉयलेट नीचे दिखेगा, बाकी के सारे कलर यहीं दिखेंगे विव की ओर से, समझ रहे हो? तो रेड ऊपर आ गया और वॉयलेट नीचे आ गया। तो प्राइमरी की ये भी है एक पॉइंट कि इसमें रेड ऊपर दिखाई देगा आपको, वॉयलेट नीचे दिखाई देगा। कितनी बात क्लियर है? क्योंकि सेकेंडरी में उल्टा होता है, सेकेंडरी में वॉयलेट ऊपर दिखेगा, रेड नीचे दिखेगा। तो ये कहानी समझ में आई? तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ये क्या हुई है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन ही हुई है। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, इसमें कोई परेशानी है तो? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखी है, देखो जो डायग्राम में बनाई है, देखो क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ रिजल्ट इन विच 1 TIR 2 रिफ्रैक्शन बिफोर एमर्जिंग फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट। तो देख लो एमर्जिंग होने से पहले वाटर ड्रॉपलेट से क्या क्या हो रहा है इसके अंदर आपके पास, 1 TIR, यहाँ 1 TIR हो रहा है, और 2 रिफ्रैक्शन हो रही है, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पर और एक रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रही है, ठीक है, क्लियर है इतनी कहानी। उसके बाद लिख रखा है इन TIR एंगल इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दैट इज़ 48 डिग्री। 48 डिग्री मैंने बताया था क्रिटिकल एंगल है, तो उससे ग्रेटर होगा यहाँ पर, तभी TIR होगा, ठीक है। उसके बाद लिख रखा है इन दिस इट इज़ फाउंड दैट वॉयलेट लाइट एमर्जेस एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एंड रेड लाइट एमर्जेस एट एन एंगल ऑफ 42 डिग्री। देखो रेड कितने पे हुई? 42 डिग्री पे, और वॉयलेट 40 डिग्री पे एमर्ज हुई, ठीक है, क्लियर। उसके बाद लिख रहा है इन दिस रेड कलर इज ऑन द टॉप एंड वॉयलेट ऑन द बॉटम, तो रेड टॉप पर आया और वॉयलेट बॉटम में आया। कितनी बात क्लियर है? ये था आपके पास प्राइमरी रेनबो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी रेनबो की, तो सेकेंडरी में भी डायग्राम बनेगा, तो सेकेंडरी का डायग्राम देखो जरा किस तरीके से बनेगा। इसमें भी हमें क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं, ठीक है। तो वो कैसी थी? स्फेरिकल थी आपके पास, तो बनाते हैं इसमें देखो एक स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट, ये बना दी हमने इस तरीके से, क्लियर है। अब देखो इसमें जो लाइट है वो किस तरीके से फॉल होगी, देखो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ऐसे ऊपर से इस तरीके से हो रही थी, ठीक है। और जैसे इस केस में सन थोड़ा ऊपर होगा, इस केस में हम थोड़ा सन नीचे कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास क्या, सनलाइट। अब देखो ये वाटर ड्रॉपलेट में जाएगी, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास नॉर्मल होगा इधर, ठीक है, नॉर्मल इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ होगी आपके पास रिफ्रैक्शन, तो ये हो रही है रेयरर टू डेंसर, तो कैसे जाएगी? टूवर्ड द नॉर्मल, तो टूवर्ड द नॉर्मल कैसे? स्ट्रेट ये ऐसे निकलेगी नॉर्मल की तरफ, ये इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा इसका फर्स्ट जो होगा रेड, और फिर जो थोड़ा इस तरीके से निकलेगा यहाँ पर ऊपर, ये बनेगा वॉयलेट का। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, यहाँ पर जैसे एक ये नॉर्मल बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर तो हुई आपके पास क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है, और यहाँ पर होगा आपके पास TIR,
क्लियर। तो TIR किस तरीके से होगा कि अपने ही मीडियम में पैक हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ये एंगल जो होगा यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। क्रिटिकल एंगल कितना था हमारे पास 48 डिग्री, तो इससे ज़्यादा होगा तो ये इस तरीके से यहाँ पर फॉल करेगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ये आ गई रेड की। सिमिलरली वॉयलेट भी इसी तरीके से जाएगी, ठीक है। तो वॉयलेट के लिए भी हम बनाएंगे, तो वॉयलेट इस तरीके से यहाँ ऐसे आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। फिर अगेन इधर क्या होगा, TIR होगा यहाँ पर भी, क्या हो जाएगा TIR, तो दो TIR होंगे यहाँ, जैसे प्राइमरी में एक TIR हो रहा था, यहाँ सेकेंडरी में दो TIR होंगे, क्लियर है। और फिर यहाँ अगर TIR होंगे तो ये फिर अगेन बैक अपने मीडियम में जाएगी, तो अपने बैक मीडियम में देखो किस तरीके से जाएगी यहाँ पर, ये हम बनाएंगे इस तरीके से, ये आ गई यहाँ पर। और वॉयलेट के लिए ये आ जाएगी आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया रेड और ये हो गया वॉयलेट, समझ आ रही है बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगी अब रिफ्रैक्शन, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे TIR हो गया, यहाँ भी TIR हो गया। अब इस पॉइंट पे अगर हम रेड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी अब रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन होगी। तो देखो क्या होगा, ये हमारे पास इस तरीके से अगर हम बनाएं यहाँ, ये नॉर्मल होता इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो डेंसर टू रेयरर आ रही है, तो कैसे आएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये रहा नॉर्मल और ये स्ट्रेट आएगी, तो ये इस तरीके से आएगी हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर इस तरीके से आएगी ये, तो ये हम इस तरीके से बना देंगे, क्या इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास सरफेस, ठीक है। और यहाँ पर ये फॉल करते हैं कितनी डिग्री, 50 डिग्री पे, ये है हमारे पास कौन सी रेड के लिए। और देखो वॉयलेट भी आएगी इसी तरीके से, ठीक है। तो वॉयलेट के लिए ये स्ट्रेट ऐसे आएगी और ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगी तो इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो ये हो गई वॉयलेट, और ये कितने डिग्री पे आती है हमारे पास, 53 डिग्री पे, क्लियर है। अब देखो वही है कि यहाँ पर अगर हमारे पास आइज़ हैं, ठीक है, यहाँ से आइज़ देख रही हैं इस तरीके से समझो, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगी, तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगी तो ये देखो ये वॉयलेट जो है इस तरीके से यहाँ जाएगा ऊपर, तो ये वॉयलेट ऊपर आ गया, और ये रेड इस तरीके से बैक ट्रेस होगा, ये रेड यहाँ आ गया। तो देख लो वॉयलेट ऊपर दिखेगा हमें और रेड नीचे दिखेगा, तो ये है हमारे पास सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। तो इसमें लिख भी रखा है, इन दिस रेड कलर इज एट द बॉटम एंड वॉयलेट इज एट द टॉप, तो वॉयलेट ऊपर है और रेड नीचे दिख रहा है, क्लियर है इतनी बात या नहीं देखने पर, समझ रहे हो। और यहाँ पर देखो यही बातें लिख रखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं अभी, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस इन विच टू TIR, दो TIR हो रहे हैं, दो रिफ्रैक्शन हो रही हैं, एंड एमर्जिंग फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। बिफोर एमर्जिंग फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो रहा है आपके पास, दो TIR और दो रिफ्रैक्शन, क्लियर है। डिस्पर्जन तो हो ही रही है, ये बात आपको पता ही है यहाँ पर, ठीक है। क्रिटिकल एंगल कितना, 48 डिग्री है, तो यहाँ जो TIR हो रहा है उसमें क्या है, एंगल जो है वो ग्रेटर है 48 डिग्री से, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। इसके बाद ये बात लिख रखी है, इन दी सिटीज फाउंड दैट वॉयलेट एमर्ज एट एन एंगल कितना, 53 डिग्री पे, और जो रेड है वो कितने पे एमिट हो रही है, 50 डिग्री पे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया क्या था ये, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन मन में आता है कि जो रेनबो आपको दिखाई देते हैं ये कर्व्ड क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है, और हाफ क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही दिखाई देते हैं आपको ये रेनबो, जैसे यहाँ पर हम बनाएं, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देते हैं रेनबो, ठीक है। तो इसका जो कारण है वो क्या है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स की शेप है वो है स्फेरिकल, तो स्फेरिकल में जैसे मान लो एक है, एक की वजह से ये हल्का सा ये कर्व्ड आता है हमारे पास रेनबो, ऐसे ऐसे हज़ारों लाखों पता नहीं कितनी ड्रॉपलेट्स हैं, उनकी वजह से मिल मिल के ये ऐसे बनता है, समझ रहे हो। तो जब ये पूरा बनता है एक्चुअल में, तो ये क्या होती है, पूरा का पूरा आपके पास एक जैसा ये स्फीयर है, इस तरीके से ये सर्कल की शेप में पूरा बनता है, समझ रहे हो। लेकिन हमें दिखाई कितना देता है, हाफ दिखाई देता है, क्यों, ये हाफ जो है ये किस में मर्ज हो जाता है, अर्थ में, समझ रहे हो। तो ये डिसअपीयर है इसका हाफ पार्ट, हमें कैसा दिखता है, हाफ ही दिखता है, वैसे ये पूरा ही बनता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है अर्थ आ गई यहाँ इस तरीके से अर्थ, तो हाफ अर्थ में मर्ज हो जाता है और ये आपको हाफ ऊपर का दिखाई देता है, समझ रहे हो। तो मेन कारण क्या है कि इसकी शेप ऐसी क्यों होती है, क्योंकि इसका स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट है। दूसरा, हाफ क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है, कर्व्ड भी समझ में आ गया आपको, इसी वजह से है क्योंकि ये शेप ऐसी है इसकी, तो कर्व्ड ऐसे इसी वजह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा, हाफ क्यों दिखाई दे रहा है ये आपको, हाफ इसलिए दिखाई रहा है क्योंकि हाफ पार्ट कहाँ हो रहा है इसका, सबमर्ज्ड हो रहा है अर्थ में, कितनी बात क्लियर है। चलो ये कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो ये पूछता है कई बार पेपर में आपसे, ठीक है। तो इनके डायग्राम अच्छे से बनाने आने चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इनकी बनाने की, ठीक है, डायग्राम देखते ही आपको मार्क्स मिल जाते हैं, क्लियर है। तो डायग्राम अच्छे से बनाया करो एग्जाम्स में, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।